हाय किड्स, वेलकम बैक टू फन एंड लर्न प्लैनेट। आज हम पढ़ेंगे भालू ने खेली फुटबॉल, जो कि है पार्ट दो, CBSE हिंदी NCERT। पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलो फटाफट से चलते हैं स्टोरी की तरफ। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। बच्चों, पता है कोहरा किसे कहते हैं? जो सर्दियों में वाइट वाइट होता है ना, जिसको हम इंग्लिश में फॉग भी कहते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसको कोहरा कहते हैं। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अब एक शेर का बच्चा, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी, इसलिए सिमट कर गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। अब भालू साहब सुबह सुबह सैर पर निकल आए थे, भालू मतलब बेयर। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तो जब भालू साहब घूमने आए थे तो वो इधर उधर भी देख रहे थे, और उनकी नज़र तभी जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्कल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। जब भालू ने जामुन के पेड़ के नीचे शेर के बच्चे को गोल मटोल सोए देखा, तो उसे लगा कि ये फुटबॉल है। तो भालू बहुत खुश हो गया, तो उसने आंखें फैलाई, अक्कल दौड़ाई और कहा, आहा फुटबॉल। सोचा, चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अब जब सर्दियों का मौसम होता है, सबको बहुत ठंड लगती है, तो अगर हम भाग दौड़ करते हैं या खेलते हैं तो हमें कुछ गर्मी लगती है ना, उसी तरीके से भालू ने भी सोचा, चलो क्यों ना फुटबॉल खेली जाए और कुछ गर्मी हासिल की जाए। आव देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। अब भालू ने क्योंकि सोचा था कि वो फुटबॉल है, पर वो था तो शेर का बच्चा, तो उन्होंने उसे पैर से उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। अब हड़बड़ी मतलब जल्दबाजी में, क्योंकि शेर का बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाया कि उसे किसने उछाला। तो जब वो उछला तो उसने एक पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। अब शेर के बच्चे के वजन से डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। मामला समझ गए मतलब कि भालू साहब को समझ आ गया कि ये फुटबॉल नहीं, शेर का बच्चा है जो गोल मटोल होकर सो रहा था। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए। अब भालू साहब फिर से पछताए कि अरे मुझसे तो गलती हो गई, मैंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया और उसे उछाल दिया। और उन्होंने फटाफट से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। जब शेर का बच्चा नीचे गिर रहा था तो भालू ने उसे पकड़ लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब शेर का बच्चा भालू को फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। अब भालू दादा ने सोचा, चलो ये बच्चा कह रहा है तो इसे फिर उछाल देते हैं, तो उन्होंने उसे फिर उछाल दिया। दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। बार बार शेर का बच्चा बोलने लगा, मुझे उछालो, क्योंकि उसे तो मजा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। अब भालू बार बार शेर के बच्चे को उछाल रहा था, इससे वो थक गया था और थकान से वो परेशान हो गया था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, पर शेर का बच्चा, उसे तो मज़ा आ रहा था ना उछलने में, और भालू बेचारा थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। अब भालू ने अपने आप से कहा, ओफो, मैं किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब 12वीं बार जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो वो घर की ओर भाग निकला। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। अब जब भालू भाग गया तो उसे तो शेर के बच्चे को बचाने वाला या पकड़ने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए वो धड़ाम से जमीन पर आ गया और पेड़ की डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। अब माली आया और वह शेर के बच्चे को डांटने लगा। बरस पड़ा मतलब उसे डांटने लगा, क्योंकि उसने पेड़ की डाल तोड़ दी थी। लाओ हर जाना। अब
माली ने शेर के बच्चे को कहा, लाओ हरजाना। हरजाना मतलब कि तुमने जो नुकसान दिया है उसकी भरपाई करो। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूँ। अब शेर का बच्चा भी बहुत होशियार था, उसने माली को कहा, अरे रुको, मैं ज़रा ठीक तो हो लूँ, क्योंकि वो अभी अभी पेड़ की डाली से नीचे गिरा था। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली ने उसे कहा, ठीक है, तुम ठीक हो लो, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। अब जैसे ही माली चला गया, शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मतलब कहीं से भाग जाना। तो शेर का बच्चा भी भाग गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। अब शेर के बच्चे ने सोचा, जान बची तो लाखों पाए, मतलब वो भी माली की डांट से बच गया। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। चलो बच्चों, अब कहानी समझने के बाद में हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, मतलब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो सबसे पहले है कहानी से, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? बताओ। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह ज़मीन पर ना गिर पड़े, क्योंकि जब भालू उसको उछाल रहा था हवा में, तो अगर वो पेड़ की डाल नहीं पकड़ता तो वो ज़मीन पर गिर जाता। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैर से उछाल दिया, तो हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा या उसने दहाड़ लगाई, क्योंकि शेर के बच्चे को पता नहीं था ना कि वो तो आराम से सो रहा था सर्दी में, उसको पता नहीं था कि कोई उसको उछाल देगा, तो उसको अचानक से जब किसी ने उछाला तो उसने हड़बड़ी में दहाड़ लगाई। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर, भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। जब भालू साहब घूमने निकले थे तो उन्हें लगा कि रास्ते में फुटबॉल पड़ी है और वो था शेर का बच्चा। तो जब उन्होंने उसे पैर से उछाल दिया तो वो बाद में शेर के बच्चे को देखकर बहुत पछताए। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? बताओ, सोचो। भालू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शेर का बच्चा बार बार भालू को उछालने के लिए कह रहा था और भालू साहब उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और थक गए थे, इसलिए उन्होंने कहा, ओह मैं किस आफत में आ फंसा। तो समझे सारे प्रश्न? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है, आपको समझ आ गई होगी। अब मैं पहले सारे सेंटेंसेस या वाक्य पढ़ती हूँ और फिर हम नंबर डालेंगे कि कौन सा वाक्य पहले हुआ था। तो पहला है, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो सबसे पहले आएगा, भालू साहब सैर को निकले, पहला, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले भालू साहब सुबह सुबह सैर को निकले थे ना, जब बहुत ठंड हो रही थी। उसके बाद में आएगा, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। भालू साहब जब सैर पे निकले थे तो उन्होंने देखा कि कोई गोल गोल फुटबॉल जैसी चीज है, उन्होंने समझा फुटबॉल है, तो उसने शेर के बच्चे को उछाल दिया। तो इसमें मैं डाल रही हूँ दूसरा नंबर। फिर आता है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। अब जब भालू ने गलती से शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछाल दिया, तो शेर का बच्चा हड़बड़ा गया और उसने पेड़ की डाल पकड़ ली। तो ये हो गया नंबर तीन। फिर आता है नंबर चार, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। अब जब भालू ने देखा कि शेर का बच्चा नीचे गिर रहा है, तो वो ज़मीन पर ना गिर पाए, इस वजह से भालू ने शेर के बच्चे को जाकर पकड़ लिया। और लास्ट है, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। जब भालू बिल्कुल परेशान हो गया था, थक चुका था, तो उसने घर की ओर दौड़ लगाई। अब होता है, क्या होता अगर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो क्या होता? बताओ बताओ क्या होता? जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला और वो नीचे गिरने वाला था, अगर वो उसको ना पकड़ता तो क्या होता? शेर का बच्चा नीचे गिर जाता जमीन पर और उसे चोट भी लग सकती थी। शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता, शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो क्या होता? शेर का बच्चा अगर 9-2-11 नहीं होता तो माली उसे पेड़ तोड़ने या डाल तोड़ने का हरजाना देने को कहता, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा,
उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। तो बच्चों, ये तुम अपने घर पे खुद कर सकते हो कि जब शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज कैसे आती है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। अब लॉकडाउन है, आप सब लोग घर पे ही पढ़ रहे हो, तो ये कक्षा में नहीं, घर पे कर लेना। और जब जब स्कूल खुल जाए और तब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो जाकर कक्षा में करना। तो सबसे पहले है लपकना। लपकना मतलब किसी भी चीज को बहुत तेजी से पकड़ लेना, अचानक से पकड़ लेना। फिर आता है कंघी करना। तो कंघी करना, अपने बालों को कंघी करते हैं ना हम सुबह नहाने के बाद में, कंघी करना। दबे पांव चलना मतलब धीरे धीरे चलना, एकदम छुप छुप के। फेंकना, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम बॉल को फेंकते हैं, वो फेंकना। मोजा पहनना, आप अपने सॉक्स पहनते हो ना सर्दियों में, उसको मोजा पहनना। और धुले कपड़े निचोड़ना, जब मम्मी घर पे वॉशिंग करती है, आपकी क्लोथ वॉश करती है, तो धुले कपड़ों को निचोड़ते हैं पानी निकालने के लिए, तो वो आप घर पे करके देख लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई, उसने क्या क्या सुनाया होगा। तो बच्चों, मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी है या पूरा लेसन पढ़ के बता दिया है, तो आप खुद सोचो कि उसने क्या क्या करा होगा। मैं आप मोटा मोटा बता देती हूँ कि हम उससे क्या लिख सकते हैं। शेर के बच्चे ने अपने माता पिता से कहा होगा कि जब वो पेड़ के नीचे सो रहा था, क्योंकि ठंड बहुत थी, तब वहां पर एक भालू आया और भालू ने उसे फुटबॉल समझकर पैरों से उछाल दिया। और उसके बाद में शेर हड़बड़ाया और उसने पेड़ की डाल पकड़ ली, पर डाल टूट गई और वो जमीन पर गिरने लगा। और तब क्या था, भालू ने लपक कर उसे पकड़ लिया। इससे उस शेर के बच्चे को बहुत मजा आया और वो भालू से बार बार अपने आप को उछालने की जिद करने लगा। भालू ने थोड़ा उछाला पर उसके बाद में वो भी थक गया, क्योंकि शेर का बच्चा भी भारी होता है। तो भालू लास्ट बार 12 बार उछालने के बाद में जब उसने उछाला तो वो भाग गया और शेर का बच्चा जमीन पर गिर गया। अब जब शेर का बच्चा जमीन पर गिरा तो माली ने आकर उसे डांटा और फिर बोला कि अब तुम्हें पेड़ की डाली तोड़ने का हर्जाना देना होगा। शेर का बच्चा बहुत घबरा गया, पर उसने तरकीब लगाई और उसने बोला कि मुझे पहले ठीक तो होने दो, हर्जाना मैं तब दे दूंगा। तो माली बोला ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और शेर का बच्चा भी घर दौड़कर भाग गया। तो उसने अपनी आप बीती ये सुनाई होगी। खेल खेल में, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं बताओ। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि फुट का मतलब होता है पैर और बॉल का मतलब होता है गेंद। तो ऐसी बॉल जिसे पैरों से खेला जाता है उसको हम कहते हैं फुटबॉल। अब ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल और या गेंद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिट्ठू, तो हम लिख सकते हैं टेनिस, उसके अंदर भी हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में भी हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में हम लिख सकते हैं हॉकी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, तुम्हारी समझ से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था बताओ, सोचो। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा और क्या क्या कर सकता था, ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा क्या क्या कर सकता था। तो ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा अपनी गुफा में जा सकता था, या धूप में बैठ सकता था, या अपने माँ के साथ में चिपक के बैठ सकता था। अब हम आते हैं उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा। अब सर्दियों के मौसम में क्या होता है, ठंड होती है बहुत ज्यादा, तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा होता है। और फिर आता है गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। गर्मियों के मौसम में बहुत धूप होती है और सूरज बहुत ज्यादा तेज चमकता है, तो हर जगह धूप ही धूप होती है, तो है ना बिल्कुल ऑपोजिट, उलट पुलट। फिर आता है उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछालने का उल्टा क्या होगा, उलट पुलट, गिरने को या गिराने को कह रहा था, ठीक है। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी, ठीक है। पकड़ने का ऑपोजिट क्या होता है, छोड़ना। उछालने का ऑपोजिट क्या होता है, गिरना। पिट्ठू का को सतौलिया भी कहते हैं, सितोलिया होता है ना, वो मार्बल के 7 स्टोन्स होते हैं,
या आप किसी भी तरीके के स्टोन्स ले सकते हो, वो सात आप ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हो, फिर उसको बॉल से मारना पड़ता है और फिर सब बच्चे भागते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या-क्या करते हो? टिक मार के निशान लगाओ, दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, गर्म पानी में नहाती हो, गर्म गर्म चाय पीती हो। तो ठंडा पानी तो तुम नहीं पीती होगी, तो मैं इसको क्रॉस लगा देती हूँ, ठीक है? और दौड़ लगाती हो तो जब ठंड ज्यादा लगती है तो हाँ दौड़ लगा सकते हैं, पर कभी कभी बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम दौड़ भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा है इतना ज्यादा, तो हम वो भी नहीं कर सकते। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो, हाँ। रजाई ओढ़ते हो, हाँ। आग तापते हो, हाँ आग भी तापते हैं। गर्म पानी में नहाते हो, हाँ सर्दियों में तो सब गर्म पानी से नहाते हैं, ठंडे पानी से बहुत कम लोग नहाते हैं, क्योंकि अगर आप सर्दियों में ठंडे पानी से नहाओगे तो आपको बहुत ठंड लगेगी। गर्म गर्म चाय पीते हो, हाँ। तो ये सब पे मैंने टिक लगा दिए हैं। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। पहले मैंने आपको स्टोरी समझाई, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको स्टोरी और क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे और अब आपको इनको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं मिलती हूँ अब अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ में। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।